we live here in this world, we should think ourselves as strangers and pilgrims. तो मैं सोच रहा था कि जब हम लोग इस दुनिया में जिएंगे हमें इस तरीके से जीना है या खुद के बारे में ऐसा सोचना है जैसे हम लोग इस दुनिया में अजनबी हैं या मुसाफिर हैं। This world is not a playground. ये जो दुनिया है ये हमारे लिए खेलने कूदने की जगह नहीं है। But it's a battleground. लेकिन एक युद्ध का मैदान है। We have got so many enemies. यहाँ पे बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं। And if we relax, we'll be defeated by sin. और अगर हम लोग यहाँ पे आराम मनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पाप से हार जाएंगे। We like to play. हम लोग को खेलना अच्छा लगता है। We like to play rather than to pray. हम लोग को खेलना और पसंद है इसके बजाय कि हम लोग प्रार्थना करें। Even as believers, we like to relax. विश्वासी होने के बावजूद भी हम लोग कई बार आराम की खोज में रहते हैं। Have fun and parties. और जश्न और इसी में लगे रहते हैं। But when it comes to the hard work, we just sometimes draw back. लेकिन अगर कोई मेहनत वाला काम आए तो हम लोग जल्दी पीछे हट जाते हैं। We know when we go to work, we are not the time for us to relax. हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग दफ्तर में जाते हैं तो उस समय हमारे लिए आराम करने का समय नहीं होता। We come to relax when we go home. हम लोग आराम तभी करते हैं जब हम लोग वापस घर जाते हैं। This world for us is a place where we have to work. ये जो दुनिया है हमारे लिए ऐसी जगह है जहाँ पे हमें काम करना है। We can relax when we go to heaven. हम लोग आराम तभी कर सकते हैं जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। As one brother shared last time, what A.W. Tozer said, we are not called to be happy, but we are called to be holy. जैसे एक भाई ने पहले बोला था कि एक A.W. Tozer भाई ने बोला है कि हम लोग बुलाए गए हैं खुश रहने के लिए नहीं लेकिन पवित्र रहने के लिए। And for holiness, there is a lot of struggle and fight. और पवित्र बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष और लड़ाई करनी पड़ती है। We have a lot of time to be happy in heaven. स्वर्ग में हमारे पास बहुत समय रहेगा खुश रहने के लिए। For millions and millions of years. सैकड़ों अरबों सालों के लिए। First, but here we have the struggles and fights that go on in our spiritual lives. लेकिन इस जीवन में, इस धरती पर हमें हमारे आत्मिक जीवन में कई सारे युद्ध और संघर्ष करने पड़ते हैं। That's why in Hebrews chapter 11 we are described the heroes of the faith. इसलिए हिब्रानी chapter 11 में हम लोग देखते हैं विश्वास के नायकों के बारे में। Why are the heroes? वो लोग नायक क्यों थे? The heroes are not very many. They are not many. ये जो नायक थे वो लोग बहुत ज़्यादा नायक नहीं थे। Because they had faith in God and they obeyed God. लेकिन वो लोग नायक इसलिए थे क्योंकि वो लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते थे और फिर उनके आज्ञा का पालन करते थे। And that's why their names are written in the Bible. और इसके वजह से उनके जो नाम है वो बाइबल में लिखे गए हैं। Most of these names never come in history books of this world. ज्यादातर ये जो नाम है ये दुनिया के इतिहास के किताबों में नहीं मिलेंगे। The world doesn't know them. क्योंकि दुनिया के लोग उन्हें नहीं जानते। Do you know that the world knows about Noah? क्या तुम जानते हो कि पूरे दुनिया के लोग नूह से वाकिफ हैं? We saw on the Pilgrim's Progress. हम लोग Pilgrim's Progress जो पिक्चर हमने देखा था। Pilgrim asked that worldly wise that person, do you know what about Noah? और उस समय Pilgrim ने जो मुसाफिर था उसने एक दुनिया के बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम नूह के बारे में जानते हो? So who's Noah? तो उसने बोला कि नूह कौन है? Noah's a forefather. तो नूह तो हमारा एक ये था पिता था बहुत पहले का। For God he was a very very important man. लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत ही जरूरी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। For the world he is nobody. लेकिन दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं है। Nobody remembers him. कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। See, God remembers each one of us because we live for God. परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति को याद इसीलिए रखता है क्योंकि हम लोग उसके लिए जीते हैं। That is why it's important for us to live for God so that we be great in the eyes of God. इसलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के लिए जिए ताकि उनके नजरों में हम लोग महान बने। That's why God is not ashamed to be called our God. और इसलिए फिर परमेश्वर शर्मिंदा न होगा हमारा परमेश्वर कहलाने के लिए। We see that verse in Hebrews chapter 11. हिब्रानी chapter 11 में जाएंगे। हिब्रानी chapter 11 हिब्रानी chapter 11 पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे उनसे नहीं लज्जाता सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। God has called you and me, brothers and sisters, to follow Him. तो परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बुलाया है भाई और बहनों ताकि हम लोग उसका पीछा करें। This world is not our home. ये जो दुनिया है संसार है हमारा घर नहीं है। We have a better country. हमारे पास और भी बहुत ही उत्तम देश है। And we live for that better country. और हम उस उत्तम देश के लिए जी रहे हैं। We have to have that sense of values. इसलिए हमें उस उत्तम देश का जो मूल्य है गुण है उसको हमें प्राप्त करना है। We have to learn how to live. हमें यहाँ पर ही सीखना है कैसे जीना है।
When we go to heaven, there is a different lifestyle altogether. क्योंकि जब हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे तो वहां पे जीवन जीने का तरीका बहुत ही अलग रहेगा. That's why the Holy Spirit is given to us, the word of God is given to us so that we may be trained to live in a proper way. इसलिए पवित्र शास्त्र में दी गई है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम लोग सीख सके कैसे हमें सही तरीके से जीना है. You know, there is no grumbling and fighting in heaven. क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़े में नहीं रहेगा? There's only thanksgiving and praise. वहां पे लोग बस स्तुति और धन्यवाद देते रहते हैं. And if you don't learn how to praise and thanksgiving, how to give that, you'll find it very shocked to go to heaven. और अगर इस संसार में हम लोग सीखेंगे नहीं कैसे स्तुति देना है, कैसे धन्यवाद देना है, तो स्वर्ग में जाने के बाद हमें वहां पर मुश्किल होगा आदत डालने का. That's why God is always training you and me. इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें यहां पर सिखाता रहता है. Why do people fight and quarrel? क्यों यहाँ पर धरती पे लोग झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं? They fight for earthly things. वो लोग संसारी चीजों के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं. But if your heart is for heaven, then we will not fight and quarrel. लेकिन अगर मेरा मन स्वर्ग की चीजों पे लगा रहेगा, तो फिर मैं संसार की चीजों के लिए झगड़ा नहीं करूँगा. That's why we'll give thanks to God in every situation. इसलिए हर एक परिस्थिति में मुझे परमेश्वर की ओर धन्यवाद देना है. Because we know God is in control of our lives. क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखता है. And that we can walk with God. और इसीलिए मैं परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ. See, when we get born again, we come to know God. जब हम लोग नया जन्म पाते हैं, तो हम लोग शुरुआत में परमेश्वर को जानते हैं. But we have to know God in a very intimate way. लेकिन हमें परमेश्वर को बहुत ही नजदीकी रूप से जानना है. Like a bride knows a bridegroom. जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे को जानती है. It's not that suddenly we'll come to know Jesus Christ. ऐसा नहीं कि एक दिन से मैं अचानक से मैं प्रभु यीशु को जान लूँगा. Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चला. And Noah walked with God every day. और नूह परमेश्वर के साथ हर रोज चला. He talked with God and God talked with him. परमेश्वर के साथ वो बात करता था और परमेश्वर उससे बात करते थे. And God said, "You are my friend." और इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे दोस्त हो. Come to my house. मेरे घर पे आ जाओ. See, if we are not talking with God and our fellowship with God, I don't know whether we'll be really taken up to heaven at all with Him. अगर हम लोग परमेश्वर के साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ संगति नहीं करेंगे, तो फिर मैं जानता नहीं कि हम लोग उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे या नहीं. We won't be prepared at all. क्योंकि हम लोग तैयार ही नहीं रहेंगे. If he said, "I'm born again, I'm baptized in water, I'm filled with the Holy Spirit, I speak in tongues," and after that, we just live for ourselves. मालूम पड़ा कि हम लोग बोलते हैं कि मैंने नया जन्म पाया है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, मान्य भाषा में बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं खुद के लिए जीता हूँ. And suddenly I hope that the Lord will just take me and I'll see him face to face. और फिर मैं आशा रखता हूँ कि एक दिन परमेश्वर मुझे झट से उठा लेगा और मैं उसके आमने सामने खड़ा रहूंगा. See, if I'm not walking with him, then I'm walking with the world. लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं संसार के साथ चल रहा हूँ. Then I keep on sinning. इसका मतलब यह है कि मैं और पाप में बढ़ते जा रहा हूँ. My desire is to always walk with Jesus Christ. मेरी जो इच्छा है वो हमेशा प्रभु यीशु के साथ चलने वाली होनी चाहिए. Then the Lord will be very precious to me. तभी परमेश्वर मेरे लिए बहुत ही मूल्य बनेंगे. He'll be the pearl of greatest price. वो मेरे लिए बहुत ही कीमती मोती के समान बनेंगे. Otherwise he'll be a very boring person. वरना मुझे प्रभु यीशु बहुत ही पकाव व्यक्ति लगेंगे. To spend time with the word of God, to spend time in prayer will be a very boring exercise. मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, प्रार्थना करना या परमेश्वर के वचन पढ़ना बहुत ही पकाव चीज है. For most Christians and most unbelievers also it is a very boring thing. और ज्यादातर विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए भी ये बहुत ही पकाव चीज है, उभाव चीज है. I've done my duty, I came for Sunday morning meeting. वो लोग बस सोचते हैं कि हाँ, मैंने मेरा कर्तव्य निभा दिया है, मैं संडे सुबह चर्च में चला गया हूं. I read the Bible in the morning, I prayed a little, had a morning devotions. मैंने सुबह उठ के बाइबल पढ़ लिया, थोड़ी देर प्रार्थना कर लिया. I've done my duty. तो मेरा काम हो गया, कर्तव्य हो गया. But that is not the way God wants us to walk. नहीं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से चलो. He wants us to walk in fellowship with Him all the time. वो चाहता है कि तुम हर वक्त, हर समय उसके साथ संगति में चलो. And then our relationship will be very meaningful. तभी हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो एक उसमें एक अर्थ रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा. And that is the basic Christian life. और यही है सबसे सामान्य ईसाई जीवन. And these are the people God is going to take. और ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर जिनको लेकर जाएगा उसके साथ. And these are the people who really value Jesus Christ. और ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर जिनको बहुत ही मूल्यवान समझता है. For this you don't have to be very educated. और ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है. You don't have to have too much knowledge of the Bible. जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान हो. The Apostle Paul says you have the simple, pure and devotion to Jesus Christ. प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही सीधा साधा सामान्य भक्ति होनी चाहिए प्रभु यीशु की ओर. If you have a simple and pure devotion to Jesus Christ. अगर तुम्हारे पास प्रभु यीशु की ओर बहुत ही साधारण सा और पवित्र सा भक्ति है, then your devotion to the world will become very less. तो फिर तुम्हारी दुनिया की ओर जो भक्ति है वो कम हो जाएगी. You think you won't be so engrossed with the things of this world. फिर तुम दुनिया के चीजों में ही एकदम मग्न नहीं रहोगे. You won't be engrossed with your clothes and your wedding and all the other wonderful things that you have. तुम बस तुम्हारे कपड़ों में या जो शादी वगैरह होते हैं या दुनिया की जो योजनाएं हैं उसी में तुम मग्न नहीं रहोगे. You'll be caught up with Jesus. तुम प्रभु यीशु में मग्न रहोगे. And then you'll be so happy in God. और फिर तुम परमेश्वर में एकदम खुश रहोगे. Most people find heaven very boring. ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग स्वर्ग को बहुत ही पकाव जगह समझते हैं. They find church very boring. वो लोगों को कलेशा भी बहुत ही उबाव लगता है. But God is not boring. लेकिन परमेश्वर कभी भी उबाव नहीं है.
You ask the apostles and Jesus and the apostle Paul and apostle John said, "Oh, God is very good. I want to have fellowship with Him." अगर तुम कोई भी प्रेरित से पूछोगे कि परमेश्वर कैसा है, तो वो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं उसके साथ संगति करना चाहता हूँ. Because we love the world so much, the love of the Father is not in us. लेकिन क्योंकि हम लोग दुनिया से, संसार से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है. That's why we are very little. That's why we quarrel and fight so much. और इसलिए हम लोग बहुत ही आसानी से इतना ज़्यादा झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं. The things of this world are so much meaningful to us. क्योंकि दुनिया की चीज़ें हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं. But God says, "Come on, leave with all these things. Come and have fellowship with me." लेकिन परमेश्वर कहता है ये सारी चीजों को तुम छोड़ो और आके मेरे साथ संगति करो. Don't live for the next 30 years. Live for the next 30 million years. बस आगे के 30 साल के लिए मत जियो, आगे के 30 अरब साल के लिए जियो. We are called for people of eternity, brothers and sisters. हम लोग अनंत काल के लोग हैं भाइयों और बहनों. There was a young boy who was going along with his father to church one day morning, Sunday morning. एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ एक दिन कलेशिया जा रहा था रविवार सुबह. Everybody was quiet in the car. और गाड़ी में सब लोग एकदम शांत थे. They're going for Sunday morning meeting. क्योंकि वो लोग सुबह रविवार के मीटिंग में जा रहे थे. Then his son asked him. तो उसके वो लड़के ने अपने पिता से पूछा. Daddy, how is heaven going to be? कि पिता ये स्वर्ग कैसे रहने वाला है? Is it going to be church all the time? क्या पूरा समय वहाँ पे कलेशा के जैसी चीजें रहेंगी? People just looked. तो वो बस देखते रह गए. We find God. Not very interesting. Then you'll be like the little boy. I'd rather play than to come to church. अगर हम लोग उस छोटे लड़के के जैसे रहेंगे, जिसको परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम लोग भी प्रार्थना से ज़्यादा खेल खुद में ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे. I'm waiting to get out of the meeting and go back to my house and eat some good food or to have some time of play. मैं बस रुका रहूँगा, इंतज़ार में रहूँगा कि कब मीटिंग खत्म होगा और कब मैं घर पे भागूँ और खेल देखूँ या कुछ अच्छा खाना खाऊँ. My interest is for other things. क्योंकि मेरी जो दिलचस्पी है वो दूसरे चीज़ों में है. And here in Hebrews chapter 11 says that there people who are pilgrims and strangers desire God in their own life. और हिब्रानी 11 में लिखा है कि जो लोग इस दुनिया में अजनबी हैं और मुसाफिर हैं, वो लोग परमेश्वर की इंतजार में हैं. It says verse 16, but as it is, they desire a better country. वाक्य 16 में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं. We desire God. हम लोग परमेश्वर के अभिलाषी हैं. God says, what is your desire of your heart? परमेश्वर तुमसे पूछता है कि तुम्हारे मन के अंदर की इच्छा क्या है. I put a desire of my desire in your life is the desire should increase every day. मैंने तुम्हारे मन के अंदर मेरे लिए एक इच्छा रखी है और वो इच्छा को दिन बे दिन बढ़ना है. If you desire the things of this world, the desire for God will come less. अगर तुम इस दुनिया या संसार की चीजों की इच्छा रखते हो मन में, तो फिर परमेश्वर की और जो तुम्हारी इच्छा है वो कम होगी. In the scientific terms, it is known as inversely proportional. I don't know how to translate that. So it is the desire for God is go, the desire for world will become less. तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही परमेश्वर की इच्छा हमारे मन में बढ़ती जाती है, तो संसार की इच्छा मन में कम होती जाती है. If your desire for the world is so much, then desire for God is very little. लेकिन उसके उल्टा ये है कि अगर संसार की इच्छा मन में बढ़ती जाती है, तो परमेश्वर की और इच्छा जो है वो कम होती जाती है. When I desire God much, I will think about God much. तो अगर मैं परमेश्वर की और इच्छा रखूंगा, तो उनके बारे में मैं और सोचूंगा. I'll think about the word of God. और उनके वचनों के बारे में और सोचूंगा. I'll talk to him. और उनसे बातें करूंगा. I'll pray to him. उनकी ओर प्रार्थना करूंगा. And God says, what a wonderful person it is. There are so few people who think about me and who talk to me. Here's there, here and there, one. I really love them. I'll be their God. और परमेश्वर कहेंगे कितना बेहतरीन व्यक्ति है ये, कितने कम ऐसे लोग हैं जो मेरी तरफ प्रार्थना करते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं. मैं उनसे प्रेम करूंगा और मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा. Second Chronicles says, the eyes of the Lord run to and fro over the whole earth. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की जो नजरें हैं पूरे दुनिया में घूमती हैं. Seeking if there is someone who really desires God. इस खोज में कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर इच्छा रखता है. So that he can really strongly support them. ताकि परमेश्वर उनकी फिर सहायता कर सके. But he finds very few. लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोगों को परमेश्वर पाते हैं. Among Christians he finds very few. विश्वासियों के बीच में बहुत ही कम लोगों को पाते हैं. Among believers he finds very few. विश्वासियों के बीच में बहुत ही कम लोगों को पाते हैं. Most believers are interested what they can get out of God. लेकिन ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग बस इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि परमेश्वर से उन्हें क्या मिलेगा. What benefit I will get? परमेश्वर से मुझे क्या लाभ मिलेगा. Rather than saying what God will get out of me. इसके बजाय ये सोचे कि मुझसे परमेश्वर को क्या लाभ मिलेगा. And if we seek after God, God will definitely give us everything. और अगर तुम परमेश्वर की खोज करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है तुम्हें देगा. We will be the most blessed people in this world. और इस दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित लोग हम ही रहेंगे. And all the psalmist says, goodness and mercy shall follow me. और जैसे भजन संगीता का लेखक कहता है कि अच्छाई, goodness and mercy. अच्छाई और करुणा मेरी पीछे आएगी. You know, many times we don't even pray for earthly things. क्या तुम्हें पता है कि कितने बार हमें फिर संसार की चीजों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है? Because there are so many earthly things that we read. क्योंकि हमें कितने सारे संसारी चीजों की जरूरत है. You just follow God and just seek after God. लेकिन तुम बस परमेश्वर के पीछे चलो और उनकी खोज करो.
all the other things automatically come. Baki sare cheeze khud hi tumhare piche aa jayengi. When you go for a good job. Jab tum ek acche naukri ki or jate ho. You get a good salary. Tum acha tankwa milti hai. You're not going to ask what is my traveling allowance and what is my daily allowance and all these small allowances. To tum chote chote jo aise traveling allowance ye sab cheeze rehte hai uske upar zyada charcha nahi karoge us samay. They just come back to you. Kyunki wo sare cheeze tumhare tankwa mein hi aa jati hain. And God is going to take care of all our earthly needs. To usi tarike se parmeshwar hamare sansari zaruraton ko pura kar dega. Your health, your wealth, your marriage, your children's education, every other thing God says, you're my child, I'll take care of you. तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा धन संपत्ति, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, हर एक चीज का ख्याल परमेश्वर रख देगा। But most people when they pray about all these things. लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जब लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग इन्हीं चीजों के ऊपर प्रार्थना करते रहते हैं। First thing we ought to pray, Lord, that I may know you very closely in my own life. सबसे पहले तुम्हें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत ही नजदीकी रूप से जानूं। Let not sin have dominion over my life. और ये प्रार्थना करना है कि पाप मेरे ऊपर राज न करे। But then we keep on, most believers pray for earthly things. लेकिन ज़्यादातर जो विश्वासी हैं, वो लोग संसार की चीज़ों के लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं। राजकुमार was saying once when he went to the Gulf. भाई राजकुमार भाई ने एक बार बोला था एक जगह पे। He received so many prayer requests. उनको एक जगह पे वो गए थे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनको प्रार्थना की विनती दी थी। More than 20 prayer requests, I want visa. और उसमें से जो 20 से अधिक जो प्रार्थना की विनतियाँ थी वो वीजा के लिए थी। All I want visa, visa, visa. क्योंकि सब लोगों को वीजा चाहिए था। Oh, that is the burden of their heart. क्योंकि उनका मन का जो बोझ था वो वही था। God is only secondary. परमेश्वर बाकी सब चीजें बाद में। We all come to God like that. उसी तरीके से हम भी कई बार परमेश्वर के पास आते हैं। And God says, you come for only these things. और परमेश्वर कहता है कि क्या तुम यही सारी चीजों के लिए मेरे पास आते रहते हो? You don't want me. क्या तुम्हें मैं नहीं चाहिए? What are you seeking in your life? तुम अपने जीवन में किस चीज की खोज कर रहे हो? And God sometimes is so ashamed that you are not interested in me. और फिर कई बार परमेश्वर शर्मिंदा हो जाता है कि हम लोग उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। You only interested in the benefits. हम लोग बस उससे मिलने वाले लाभों के ऊपर दिलचस्पी रखते हैं। And God is not speaking to unbelievers and nominal Christians. और परमेश्वर सिर्फ नाम से जो ईसाई हैं या अविश्वासी हैं उनकी ओर नहीं बोल रहा है। But God is speaking to our own children who have been born again. लेकिन परमेश्वर ये बातें उनकी ओर बोल रहा है जो उसके खुद के बच्चे हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है। And baptized in the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा जिनको मिला है। When we go to heaven, we'll feel so ashamed that we ran up to so many unnecessary things. जब हम लोग स्वर्ग में एक दिन पहुंचेंगे उस दिन हम लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदित हो जाएंगे कि हम लोग दुनिया में संसार की चीजों के पीछे भाग रहे थे। We argued and fought over all unnecessary things. और कितने सारे फालतू चीजों के ऊपर हम लोग झगड़ते थे और लड़ाई करते थे। And we'll be so ashamed. और हम लोग एकदम शर्मिंदित रहेंगे। Rather than seeking after things of eternal life. कि हम लोग इसके बजाय कि हम लोग स्वर्ग या अनंत काल की चीजों की खोज नहीं कर रहे थे। Philippians chapter 3. फिलिपियों चैप्टर 3 में जाएंगे। फिलिपियों चैप्टर 3 प्रेरित पॉलस यहाँ पे गवाही दे रहा है और इससे हमें उसकी मन का बोझ भी पता चलता है। Whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। Says whatever things were gained to me, that will be lost for Christ. तो यहाँ पे प्रेरित पॉलस बोल रहा है कि जो सारी चीजें मुझे मेरे लिए लाभ की थी, लेकिन प्रभु यीशु के लिए मैं उनको हानि समझ रहा हूँ या नुकसान समझ रहा हूँ। What were the things the world considers important in my life, as far as Jesus Christ is concerned, they are loss. इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के नजरों में वो सारी चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु की नजरों में वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। When we live in this world, we are proud of many things. हम लोग जब इस दुनिया में जीते हैं तो कई चीजों के ऊपर घमंड करते हैं। We are proud of our talents. हम लोग हमारे क्षमताओं के ऊपर घमंड करते हैं। Proud of our position in the world. हमारे पोजीशन जो दुनिया में है उसके ऊपर घमंड करते हैं। Pride of so many of our abilities. और कई सारे जो हमारे क्षमताएं हैं उसके ऊपर हम लोग घमंड करते हैं। And people also appreciate because we are quite wealthy. और कई बार लोग भी हमारी बहुत ही प्रशंसा करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही अमीर हैं। So many things. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। But the Lord doesn't value all those things. लेकिन प्रभु यीशु ये कोई भी चीजों के ऊपर कोई मूल्य नहीं रखता। The Lord values what your qualities are. प्रभु यीशु तुम्हारे गुणों के ऊपर मूल्य रखता है। We cannot take our degrees and our wealth to heaven. जब भी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे हमारे डिग्री या धन संपत्ति को लेके नहीं जाएंगे। The only thing that we can take is our character. हम लोग बस एक ही चीज लेके जाएंगे और वो है हमारा चरित्र। How humble and how lowly we were. कितना मैं दीन था, कितना मैं नम्र था। That is the only thing that is counted in heaven. वो एक ही चीज है जिसका मूल्य है स्वर्ग में। All the things are as loss. बाकी सारे चीजें बेकार हैं। Verse 7 says, whatever things were gained to me, I counted as loss for the sake. No, 8. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish in order that I may gain Christ.
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मसीह को प्राप्त करूँ। See, if you want to walk close with the Lord, you'll have to lose a lot of things. अगर तुम्हें परमेश्वर के निकट होके चलना है, तो कई सारी चीजों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। You know, we work on the principle of loss. हम लोग हमेशा नुकसान के नियम पे चलते हैं। We grow in the Lord on the principle of loss. अगर हम लोग परमेश्वर में तभी प्रगति करेंगे जब हम लोग नुकसान के नियम पे चलेंगे। You're to lose your life. तुम्हें तुम्हारा जीवन का your खोना reputation, है। तुम्हारा इज्जत खोना है। In the world. संसार को खोना in the है। Church. In the church. Reputation in the church. कलेशा में जो तुम्हारी इज्जत है उसको खोना है। And be nothing. और कुछ शून्य बनना है, कुछ don't, नहीं बनना don't try to be great in the church. कलेशिया में भी महान बनने की कोशिश मत करो। Don't try to be, have a position. और यहाँ पे एक पोजीशन प्राप्त करने की कोशिश मत करो। Jesus took the position of a servant. क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं एक नौकर या सेवक का पोजीशन स्थान उन्होंने लिया था। One day he is going to take up, call the people. एक दिन वो सभी लोगों को अपनी ओर बुलाएंगे। People who are so humble and serve, they never thought of exalting themselves. उन लोगों को बुलाएंगे जो खुद सेवक थे, एक सेवक का स्थान लेते थे और खुद के बारे में कुछ नहीं सोचते थे. They are just call them. These are the great people in the kingdom of heaven. और प्रभु यीशु उन लोगों के बुला के बोलेंगे कि यही लोग हैं जो स्वर्ग में महान रहेंगे. They never preached, they never sang, but they were the humblest people ever. उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, कभी गीत नहीं गाया, लेकिन मन में सबसे नम्र वो थे. And it is going to be there. और ये ऐसे ही होने वाला है. The preachers and the teachers and the singers will not be the first people. जो प्रचारक है, गीत गायक है, वो लोग सबसे आगे नहीं रहेंगे स्वर्ग में. This those people who humble themselves and wanted to fade away and give glory to God. लेकिन वो लोग जो खुद को हमेशा नम्र करते थे और सबकी नजरों में गायब रहते थे, वो लोग सबसे आगे रहेंगे. We have to humble ourselves and count everything as loss. इसलिए हमें भी खुद को नम्र करना है और हर एक चीज को नुकसान समझना है. The apostle Paul was such a great preacher. प्रेरित पौलुस कितना महान प्रचारक था. He built so many churches. उसने कितने सारे कलीसियाओं की स्थापना की. But all the time he had to humble himself. लेकिन हमेशा वो खुद को नम्र करते गया. His greatest problem was that he says God has done in my life such a lot of work, many of more, much more than Peter, James and John and Paul and all the others also. और एक बार प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में और मेरे जीवन के जरिए सबसे ज्यादा काम किया है इसकी तुलना में कि दूसरे प्रेरितों के जीवन से. But he had to humble himself. लेकिन इसलिए उसको अपने आप को और नम्र करना पड़ा. God also helped him with giving a thorn in the flesh. और परमेश्वर ने उसकी मदद की उसको एक बीमारी देकर. We don't know what it was maybe a sickness. हम लोग को पता नहीं, लेकिन शायद से वो एक बीमारी थी. It must have been stammering. या हो सकता है उसमें कमी थी उसकी क्षमता में, जैसे वो हकलाता था. Eye was not proper, his vision was not proper. या हो सकता है उसकी जो नजरें थी वो ठीक नहीं थी, उसकी आंखों में कुछ कमियां थी. See, sometimes God gives us his children certain disabilities. तो कई बार परमेश्वर अपने बच्चों में थोड़ी कमियां देता है. And it was very uncomfortable for him. और इसके वजह से वो बहुत ही तकलीफ उठा रहा था. And three times he said, Lord, please take this away from me. Please take this away from me. Plus, please take this. He entreated the Lord. और हम लोग देखते हैं कि उसने परमेश्वर की और तीन बार विनती की कि परमेश्वर तू ये मुझसे दूर लेकर जा, दूर लेकर जा, दूर लेकर जा. The Lord said no. लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं. My power will be perfected in weakness. मेरी जो शक्ति है, मेरी जो अनुग्रह है, वो तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है. When you are weak, then you are strong. जब तू निर्बल रहेगा, तभी तू मुझमें ताकतवर रहेगा. No, when you are strong. तुम जानते हो कि कब तुम ताकतवर रहते हो? When you have lots of troubles and problems and sicknesses and what not. जब तुम्हारे जीवन में कई सारी परेशानियां होती है, बीमारियां होती है, क्या क्या नहीं होता. When you are strong physically and everything, you are very weak spiritually. लेकिन जब तुम शारीरिक रूप में एकदम ताकतवर होते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, उस समय तुम आत्मिक रूप में एकदम निर्बल बन जाते हो. When believers who are very poor become rich, they backslide like anything. जो विश्वासी एक समय पे गरीब थे, बाद में जाके अमीर बन जाते हैं, वो तो अपने आत्मिक जीवन में बहुत ही जल्दी पीछे हट जाते हैं. They become so worldly. क्योंकि वो लोग बहुत ही संसारिक बन जाते हैं. Their desire for praise gone. Everything was very casual. प्रार्थना की और जो उनकी इच्छा होती है वो कम हो जाती है. वो लोग अपने आत्मिक जीवन को हल्के तरीके से लेने लगते हैं. How do I know that? कैसे ये मैं जानता हूं? I've experienced myself. मैंने ये अनुभव किया है खुद. The Lord said, if you want to remain fresh in the Lord, I will keep you weak. इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें हमेशा मुझमें सामर्थ्य रहना है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में निर्बल बनाऊंगा. I'll allow people to sit on your head. मैं अनुमति दूंगा दूसरे लोगों की वो तुम्हारे सिर पे राज करे. Then you will come always to me. तभी तुम हमेशा मेरी ओर भाग के आओगे. You'll always come to me and pray and ask God for help. तुम हमेशा मेरी ओर भाग के आओगे और प्रार्थना करोगे और मेरी मदद लोगे. Then I can see things. Yes, thank you Lord for all these situations and problems in life. तो जब मैं ये समझता हूँ, तभी मैं परमेश्वर को हर एक परेशानी और मुश्किल के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ. Because of that, I can always walk close to you. और इसी के वजह से मैं हमेशा परमेश्वर के निकट रहकर चल सकता हूँ. And that's why it says that in order that I counted all these things as rubbish in order to gain Christ. Verse 8. Verse 8.
वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ. The most important thing is to gain Jesus Christ. तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग प्रभु यीशु को प्राप्त करें. See, we are living as pilgrims and strangers in this world. हम सभी लोग इस दुनिया में अजनबी और मुसाफिरों के जैसे जी रहे हैं. And we may think, oh my, what a sorry spectacle we are. और हम लोग कई बार खुद के बारे में सोचते रहते हैं कि हम लोग कितने मासूम हैं, कितने पीड़ित हैं. We don't have much money. हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है. We don't have any influence. हमारे पास ज़्यादा कुछ कांटेक्ट नहीं, पहचान नहीं है. We don't have any worldly good things. संसार के जो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े चीज़ें हमारे पास नहीं है. Everybody despises us. और सभी लोग हमारी और हमें तुच्छ समझते हैं. And most believers also don't think much about us. और ज़्यादा जो विश्वासी हैं, वो लोग भी हम लोग को कोई बड़ा महान लोग नहीं समझते. You know, but God is very close to us. लेकिन क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर तुम्हारे बहुत ही निकट है. We have the joy of the Lord. और इसलिए परमेश्वर का आनंद तुम्हारे पास है. We have the peace of God. और इसलिए परमेश्वर की शांति तुम्हारे पास है. That is better than having anything of the worldly acclaim. और ये सारी चीजें संसार की कोई भी बड़ी बात से बहुत ही ज्यादा अच्छा है. We may not be in charge of any organization. हो सकता है कि तुम कोई बड़ी संस्था के ऊपर राज नहीं कर रहे हो. We may not be elders of a church. हो सकता है कि तुम कलीसिया में एक अगुवा नहीं हो. Lord, but we have fellowship with you. नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ तुम्हारे पास संगति है. That is the best, most important thing. वो सबसे जरूरी बात है. God doesn't look see as man sees. परमेश्वर लोगों के जैसे नहीं देखता. Man sees only the outside. लोग सिर्फ बाहरी रूप को देखते हैं. God sees the inside. परमेश्वर तुम्हारी अंदरी रूप को देखते हैं. God says, I want to have fellowship with somebody. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि आज मुझे किसी के साथ संगति करनी है. Who can prevent you from having fellowship with God? कौन तुम्हें रोक सकता है परमेश्वर के साथ संगति करने से? In Romans says, what can separate you from the love of God? रोमियों में लिखा है कि क्या तुम्हें जुदा कर सकता है परमेश्वर के प्रेम से? Can poverty, can persecution, can people separate you from the love of God? क्या परेशानियां, क्या गरीबी, क्या लोग तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकते हैं? Then who can separate us? कौन जुदा कर सकता है? Only my myself. मैं खुद. If I keep on running after all these things, God goes far away from me. अगर मैं संसार की चीजों के पीछे भागते रहूंगा तो परमेश्वर मुझसे दूर हो जाता है. The problem is with whom? तो यहाँ पे problem, संकट किसके साथ है? With God or with me? परमेश्वर के साथ कि मेरे साथ? Or with all the people around me? या मेरे आजू-बाजू के परिस्थितियाँ या लोगों के साथ? It is always with me. हमेशा मेरे पास ही होता है संकट. All the people around me, all the situations are only helping me to come closer to the Lord. जितने भी मेरे आजू-बाजू परिस्थितियाँ हैं, जितने भी मेरे आजू-बाजू दुष्ट लोग हैं, वो बस मेरी मदद ही कर रहे हैं कि मैं और परमेश्वर के पास जाऊँ. You may have a terrible boss. हो सकता है कि तुम्हारा मालिक एकदम भयंकर हो. Or a terrible mother-in-law. या सास और भी भयंकर हो. Or a terrible wife or a husband. या बहुत ही ज़्यादा भयंकर पति या पत्नी हो. All these things are helping you to come very close to the Lord. ये सारे चीजें तुम्हारी मदद कर रही है कि तुम और परमेश्वर के निकट जाओ. And the Lord will say, oh Lord, that thank you for all these wonderful people. तभी तब तुम कह सकोगे कि परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ मैं सारे अच्छे लोगों के लिए. थैंक यू लॉर्ड फॉर माय मदर इन लॉ. धन्यवाद परमेश्वर मेरे सास के लिए. थैंक यू लॉर्ड द पीपल हु डिसएग्री विद मी. धन्यवाद परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ मेरा तालमेल नहीं बैठता. ओह लॉर्ड, आई कैन हैव फेलोशिप विद यू. ताकि इन सभी चीजों के द्वारा मैं तेरे साथ संगति कर सकूं. देयर इज नोबडी कैन सेपरेट यू फ्रॉम गॉड्स लव. कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता. यू मे लिव इन अ स्लम, यू मे हैव नो प्लेस, इवन मे 10 पीपल मे बी स्टेइंग इन देयर रूम. हो सकता है कि तुम एक झोपड़ी में रह रहे हो जहां पे एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं. बट यू कैन बी वेरी क्लोज टू द लॉर्ड. लेकिन दसों के बीच में तुम परमेश्वर के सबसे निकट हो सकते हो. नो, यू डोंट नीड हैव अ सेपरेट रूम फॉर योरसेल्फ. तो जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास एक अलग सा कमरा हो इसके लिए. गॉड हैज मेड इट सो इजी, सो सिंपल. तो परमेश्वर ने इस चीज को इतना साधारण और इतना आसान बनाया है. फॉलोइंग जीसस इज अ वेरी सिंपल इजी लाइफ. प्रभु यीशु का पीछा करना सबसे साधारण और सबसे आसान जीवन है. यू मे नॉट हैव माय बाइबल नॉलेज. हो सकता है कि तुम्हारे पास बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं हो. बट द सिंपलेस्ट पीपल आर द वंस हु नो द लॉर्ड द बेस्ट. लेकिन जो सबसे साधारण लोग रहते हैं वो लोग प्रभु यीशु को सबसे अच्छे से जानते हैं. दे सेड, आई डोंट वांट दिस, आई वांट जीसस. और वो लोग कहेंगे कि मुझे ये सारी चीजों में दिलचस्पी नहीं है, मुझे प्रभु यीशु चाहिए. थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर लाइक रबिश टू मी. दुनिया की जो चीजें हैं मेरे लिए कचरा के समान है. आई ओनली यूज दिस रबिश फॉर सम टाइम फॉर माय this short stay on earth. Now I have to go to heaven for all eternity. बस इस दुनिया में जो मुझे समय बिताना है उस समय के लिए मैं इस कचरे का इस्तेमाल करूंगा. आखिर में तो मुझे प्रभु यीशु के पास ही जाना है. And these are the people Jesus will say, well done, the good and faithful servant. और ऐसे ही लोग रहेंगे जिनकी ओर प्रभु यीशु बोलेंगे अंत में कि अच्छा किया मेरे श्रद्धालु और ईमानदार सेवक. And God is looking for each one of us, brothers and sisters. और परमेश्वर यही चीज की अपेक्षा हम सभी से करता है, भाई और बहनों. He said, Lord, please give me the desire for you. तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझे तेरी और एक इच्छा दे. Sometimes we say, I don't have any desire for God. कितने बार हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर की और मेरे मन में इच्छा नहीं है. How can you get a desire for God? कैसे तुम ये इच्छा पा सकते हो? How? कैसे? Start obeying God. परमेश्वर के आगे का पालन करो. God has told you something today, start doing it. अगर आज परमेश्वर ने तुम्हें कुछ करने बोला है तो उसको करो. Read the Bible.
बाइबल पढ़ो प्रे टू हिम उसकी और प्रार्थना करो आस्क गॉड फॉरगिवनेस परमेश्वर से माफी मांगो एंड व्हाटएवर गॉड टेल्स यू ओबे और जो कुछ भी वो तुम्हें करने बोलता है उसको करो बाइबल सेज ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू बाइबल कहता है कि परमेश्वर के निकट तुम जाओ और परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा यू मेक एन एफर्ट तुम अपनी ओर से एक प्रयत्न करो गॉड सेज यू टेक वन स्टेप वंस गॉड विल से यू टेक वन स्टेप आई विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स परमेश्वर कहता है कि तुम एक कदम मेरी ओर लो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम लूंगा जस्ट ट्राई इट फॉर दिस वीक ब्रदर्स बस एक बार ये हफ्ते में ये लागू करके देखो देन यू विल नॉट फील लोनली फिर तुम्हें अकेला पर महसूस नहीं होगा He'll say, oh, nobody looks after me. फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मेरा ध्यान कोई नहीं रखता I've got God with me all the while. तुम कहोगे परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है In my home and workplace, in the crowded train, God is there with me. मेरे घर में दफ्तर में ट्रेन में सब जगह परमेश्वर मेरे साथ है How do you know God is with you? कैसे तुम्हें पता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है? Put a song in your heart. क्योंकि तुम्हारे मन में वो एक गीत डालेगा Song in all the difficult situations of life. सारे मुश्किल परिस्थितियों में तुम्हारे मन में गीत डालेगा When the Holy Spirit is there, comes into your life, there will always be singing and melody in your heart. तो जब भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे मन में हमेशा एक भक्ति का संगीत होता है यू मे नॉट बी एबल टू सिंग मेनी सॉन्ग्स यू मे नॉट योर ट्यून मे बी फ्लैट बट द होली स्पिरिट इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन आवर हार्ट कैन ऑलवेज वर्शिप एंड प्रेज हिम हो सकता है कि तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है इसलिए तुम मुंह से गा नहीं सकते लेकिन परमेश्वर या पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में एक गीत डालेगा स्तुति का दीज आर द ट्रू वर्शिपर्स और यही है सच्चे आराधना करने वाले वर्शिप गॉड इन द ट्रेन एंड द होम एंड द वर्कप्लेस एंड एवरीथिंग लॉर्ड आई वर्शिप यू एंड प्रेज यू जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं सिर्फ कलेशा में नहीं लेकिन दफ्तर में घर में ट्रेन में सब जगह सातों दिन एंड व्हेन दे गो टू हेवन दे विल कंटिन्यू दैट प्रेज एंड वर्शिप और जब वो लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे तो यही आराधना को वही भी चालू रखेंगे अदरवाइज वी विल से लॉर्ड आई वांट But a tune, I don't know this tune. You don't have any tune. You worship God in spirit and in truth. हम लोग स्वर्ग में ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे संगीत बराबर नहीं है, गीत बराबर नहीं है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बस तुम सच्चाई और आत्मा में तुम आराधना करोगे. So let us begin to seek after God, brothers and sisters. तो हमें शुरू करना है परमेश्वर की खोज करने की. Obey God. उसकी आज्ञा उसकी और आज्ञाकारी बनो. If you've not been baptized in water, take baptism in water. अगर अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो अभी ले लो. If you're hindering God in some way. Obey God. अगर तुम कोई क्षेत्र में परमेश्वर को रोक रहे हो अपने जीवन में तो फिर वहाँ पे परमेश्वर को अनुमति दे दो. Not sorry to ask forgiveness, go and say forgiveness. और अगर तुमने किसी से माफी नहीं मांगी है तो जाके माफी मांगो. Remove the bitterness out of your heart. अपने मन से जो कड़वापन है उसको निकाल दो. Lord, I want to remove all this kachrapatti out of my heart. और बोलो कि परमेश्वर ये सारे कचरे कूड़े को मैं अपने मन से साफ करना चाहता हूँ. I want to stop having association with all these silly friends that I had. मेरे जो फालतू के दोस्त थे अविश्वासी दोस्त थे उनके साथ मुझे अभी रिश्ता खत्म करना है. And all this unnecessary silly talk with my relatives and friends. और मेरे रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ जो फालतू की बातें हैं उसको भी खत्म करना है I want to seek after you and seek for eternal things. मुझे आपके पीछे खोज करनी है और अनंत काल की चीजों की खोज करनी है and see what a wonder God will do in our life. और फिर देखो कैसा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है You may be alone in some strange place anyway, not out of Bombay. हो सकता है कि तुम इस शहर के बाहर कोई बहुत ही अजनबी जगह पे हो But God is there with you. लेकिन परमेश्वर वहाँ पे तुम्हारे साथ है We'll have wonderful fellowship with God. और वहाँ भी तुम परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छी संगति करोगे God can use you to be a blessing to others. और परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है और तुम्हें एक आशीष बना सकता है We may be strangers and pilgrims. हो सकता है कि हम लोग इस दुनिया में अजनबी हैं और मुसाफिर हैं The apostle Paul said that we are poor, but we make other people rich. जैसे प्रेरित पॉलस ने बोला कि हम गरीब हैं लेकिन हम लोग दूसरों को अमीर बनाते हैं We don't have too much money in this world. तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा इस दुनिया में But when you speak the words of comfort and eternal life, other people become encouraged. लेकिन जब तुम अनंत काल और सुख की बातें करते हो तो दूसरे लोग प्रोत्साहन पाते They come out of the hellish life into a heavenly life. वो लोग अपने नर्क के जीवन से बाहर आते हैं और स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करते हैं। But our very lives will be a benediction, a blessing wherever we go. तो हमारा जो जीवन है जीवन ही एक आशीष बन जाएगा आशीष का सूत्र बन जाएगा दूसरों के लिए What a wonderful calling for you and me, brother and sisters. तो कितना बेहतरीन बुलावा है मेरे और तुम्हारे लिए भाई और बहनों As pilgrims and strangers, we live and with God with, always with us. और हम लोग हमेशा मुसाफिर और अजनबियों के जैसे इस दुनिया में जीते हैं और परमेश्वर हमारे साथ होता है We don't have too much time. ज्यादा समय हमारे पास नहीं है As A.W. Tozer said, such a short time for such a long time. जैसे A.W. Tozer भाई ने बोला कितना छोटा समय कितना लंबा समय के लिए Such a short time for such a long time. इतना छोटा सा समय तैयारी करने के लिए इतने लंबे समय के लिए Only few years to live for a million years. बस थोड़े चंद साल जीना है तैयार करना है बहुत ही ज्यादा अरबों साल जीने के लिए just, no, please don't waste our brothers our time and our love. Let us live for Jesus. इसलिए हमें इस जीवन को हमारे समय को व्यर्थ नहीं करना है प्रभु यीशु के लिए जीना है This will be a life well lived. और तभी ये एक बहुत ही अच्छा जीवन हम लोग जी पाएंगे It depends you on you and me brothers and sisters. The Lord. It depends upon you and me. तो ये सारे चीज तुम्हारे और मेरे ऊपर निर्भर है भाई और बहनों How good is God gives us the Holy Spirit. परमेश्वर अच्छा है हमें पवित्र आत्मा देता है To always encourage us. हमेशा हमें प्रोत्साहन देने के लिए Because brothers and sisters in the fellowship. अगर भाई और बहन है कलेशिया में वो लोगों को भी देता है He gives us the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु का लहू हमें देता है When you slip up and fall, ask God, Lord, fill me with the Holy Spirit and cleanse me from all my past sins. तो अगर कभी हम लोग फिसल के गिर जाते हैं पाप में तो बोलना है कि परमेश्वर तू मुझे तेरे लहू से साफ कर और अपने पवित्र आत्मा से भर डेली ask God
to clean you. हर रोज प्रभु से मांगो कि वो तुम्हें साफ करे, शुद्ध करे. Then you can remain clean. तभी तुम साफ रहोगे. The word of God. प्रभु के वचन. Prayer. प्रार्थना. Obedience. और आज्ञा मानना. And fellowship. और संगति. And we find our spiritual life growing. तब ये सारे चीजों के द्वारा हम लोग फिर देखेंगे कि हमारा आत्मिक जीवन फिर बढ़ रहा है. I want Jesus more than anything else. मैं प्रभु यीशु को चाहता हूँ बाकी हर एक चीज के ज्यादा से ज्यादा. You take all these wonderful mansions. I don't want. I want Jesus. जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे जो बड़े-बड़े महल हैं वो तुम ले लो, मुझे बस प्रभु यीशु चाहिए. Do you want to go traveling all around the world, doing sightseeing? क्या हमें पूरे दुनिया में बस घूमते रहना है, अलग-अलग जगहों को देखते रहना है? Said Lord, if it is going to hinder my fellowship with God, I don't want to go. नहीं, मुझे कहना है कि अगर ये सब चीजें करने से मेरा परमेश्वर के साथ जो संगति है उसके ऊपर असर पड़ेगा तो मुझे ये नहीं चाहिए. I want to be in a place where God wants me to be. मुझे उसी जगह पे रहना है जहाँ पे परमेश्वर चाहता है मैं रहूँ. If I want to be in this small place with poor people, Lord, I'll be for the rest of my life. अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं इस छोटी सी जगह में गरीबों के बीच रहूं तो मैं वहां पर पूरी जिंदगी बिताऊंगा. Lord, I want to be with you where you want me to be. परमेश्वर मैं वही रहना चाहता हूं जहां पर तू चाहता है मैं रहूं. That's a blessed thing to live. यह सबसे आशीषित चीज है. And that is the most important thing. और सबसे जरूरी चीज भी. Amen. Amen. We'll sing that song.